ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। म्यूजिक है ना, मतलब ऐसे मैंने पहले भी आपको ऑलरेडी बता दिया कि मतलब म्यूजिक ऐसी चीज़ होती है जो शायद ही कोई होगा जिनको म्यूजिक अच्छा ना लगता। एटलीस्ट हाँ, लाउड म्यूजिक सबको पसंद नहीं होता, लेकिन जो सॉफ्ट म्यूजिक होते हैं, चाहे वो मदन मोहन जी का हो, लता मंगेशकर जी का हो, सुमन कल्याणपुरी जी का हो, मोहम्मद रफ़ी जी, किशोर कुमार जी और ये सारे ओपी नैयर जी के गाने तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा मतलब। और एक अनुपमा मूवी है, वो मेरी मूवी भी फेवरेट है और उसके गाने भी ऑसम, मतलब फैबुलस। एनीवेज, सो पिक्चर अभी बाकी है। एक्चुअली इससे पहले मैं दो वीडियोस मैंने इसी के ऊपर डाली थी, तो मैंने कहा कुछ अलग, थोड़ा स्टूडेंट्स बोर भी हो गए होंगे पढ़ाई कर करके। और क्योंकि बसंत पंचमी का मैंने आपको बोला ही था कि हम बुक्स माता जी के चरणों में रख देते हैं, तो भाई बुक्स तो माता जी के चरणों में है तो हम कुछ और कर सकते हैं। अगर वीडियो भी आपको पढ़ाई वाली ही मिलेगी तो ऑब्वियसली तो थोड़ा तो चेंज होना चाहिए, परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट द चेंज इटसेल्फ। आज मैं बस यूं ही आपसे बातें करने आ गई, मेरे स्टूडेंट से, मेरे फ्रेंड्स से, मेरे सभी लव्ड वन से। मुझे आपका बहुत ढेर सारा प्यार मिला, सबने बहुत तारीफ की, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। और जिनके ऑब्वियसली नेगेटिव कमेंट है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि नेगेटिविटी आपके अंदर डेवलप करती है पेशेंस, धीरज, धैर्य। जिंदगी में हमारे लिए जो धीरज होता है, पेशेंस होता है, उसके लिए बहुत बड़े मायने होते हैं। क्योंकि देखिए, हम जब किसी भी चीज़ के लिए बहुत डेस्परेट होते हैं ना, तो वो चीज़ ऑब्वियसली है कि हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हम हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। ठीक है, तो हमारे अंदर एक मतलब, जैसे कोई भी चीज़ है ना, कि जैसे नदी होती है, नदी का पानी धीरे धीरे ऊपर से, मतलब आप नदी के पेशेंस को अगर देखेंगे, जैसे अमरकंटक जो नर्मदा नदी जहाँ से निकलती है, तो पतली सी धार वहाँ से आती है, यमुनोत्री, गंगोत्री जी, यहाँ जहाँ से ब्रह्मपुत्र तिब्बत है ना, वहाँ से जो नदियाँ आती हैं, तो पतली सी उससे धारा के साथ निकलते हैं। लेकिन आगे जाके अगर वो ऑब्वियसली कि उनमें पेशेंस नहीं होता तो क्या होता, कि वो इतनी जो बड़ी धारा बनती है वो नहीं बन पाती। लेकिन देखिए, वो धारा चलते 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 और फिर आखिर में जाके उनके पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ अपनी मंजिल को वो पा जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।